राज्यपाल महोदय के अभिभाषण जो एक साल में जो कुछ हुआ और आगे जो कुछ होना है उसका वो दिग्दर्शन करता है। मैं केवल आपको एक आपका चित्रण दिखाता हूँ कि पिछले साल जो 19-20 का बजट आपने पेश किया उसकी क्या दुर्गति 31 मार्च 2020 को हुई है, और उस समय आप कोरोना का बहाना नहीं, 2021 का तो कोरोना का बहाना हो सकता है कि उसमें हमको कुछ कम आमदनी होगी, कम कुछ हुआ होगा, लेकिन मार्च तक तो यह स्थिति नहीं थी। जो कर राजस्व आना था 1,18,000 करोड़, उसकी जगह आपको 22,910 करोड़ रुपया रेवेन्यू रिसिप्ट कम हुई है। ये एक तरह से सीधा का सीधा इस प्रदेश के आगे के बजट पर निश्चित रूप से पड़ेगा। राजस्व व्यय की दृष्टि से भी एक और ट्रेंड आपको इसमें देखा होगा कि लास्ट के जो 3 महीने होते हैं जनवरी फरवरी और मार्च, उसमें मैक्सिमम बजट को एडजस्ट हो जाता है। उसके पहले के 9 महीने में जो खर्चा होता है जैसे राजस्व व्यय, वो आपका 1,93,000 करोड़ था, उसकी जगह आपने 1,15,000 करोड़, 60% खर्चा 9 महीने में हुआ, और लास्ट के 3 महीने में आपने 58,000 करोड़ रुपया खर्च किया। इसका मतलब काम की न गुणवत्ता होगी और पैसे का बुकिंग होता है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जब कभी भी कोई डिपार्टमेंट खर्च नहीं कर पाता है तो वो किसी पीडी खाते में ट्रांसफ़र करके उस खाते से निकालता है, उस खाते में ट्रांसफ़र कर देता है और अपना खाता क्लियर बताता है कि हमने इसको काम में ले लिया, तो ये स्थिति है। इसी तरह से पूंजीगत व्यय जिससे आपका एसेट्स बनते हैं, इन्हें ये जो 19,000 करोड़ रुपया जो आपका खर्च होना था पहले 9 महीने में, उस 19 में से आपने 10,000 करोड़ रुपया खर्च किया, और अंतिम जो 3 महीने रहा उस 3 महीने में आपने 5,000 1/3 पैसा केवल और केवल आप लास्ट 3 महीने में करते हैं। इसको सुधारने की गुंजाइश है, सुधारना चाहिए, इसको कोई ना कोई मॉनिटरिंग करना चाहिए जिसके कारण से। और इसी तरह से जो आर्थिक सेवाओं में है, मैं सोचता हूँ कि 57,742 करोड़ का प्रोविज़न रखा था आपने 19-20 में, वो आप पहले 9 महीने में केवल 29,000 करोड़ रुपया खर्च किया, 50% ही खर्चा कर पाए। आर्थिक सेवाएं जो है ना, वो वास्तव में उस गरीब की मदद के लिए होता है, उसका केवल 50% 9 महीने में आपने खर्च किया, और उसके बाद भी लास्ट में आपने 3 महीनों में 22,259 करोड़ रुपया एक साथ। मतलब ये मेरा आपको फिर कहना है कि ये तो अभी बजट के ऊपर जब डिस्कस करेंगे तब डिटेल करेंगे, लेकिन ये पैसा केवल और केवल इधर से इधर ट्रांसफ़र करने का काम होता है। मैं कहता हूँ कि हमने और हमारी पार्टी ने जब कोविड यहाँ आपने और हमने सबने फेस किया, हमने अंतर मन से आपको मदद करने के लिए पूरा भरोसा दिलाया। हमारी एक्टिविटीज से भी आपको लगा कि हम और हमारी पार्टी के सारे लोग और हमारे सारे संगठन के लोग इस सेवा के भाव में पूरी तन्मयता से लगे हुए थे, चाहे वो किट बांटने से लेकर चाहे फुटपाथ उसके जूते पहनाने के बारे में सभी दृष्टि से किया। लेकिन दुर्भाग्य कब हुआ और ये घटना क्यों बनी कि जो आप लोगों के MLA हैं वो तो अपना नाम लिख करके किट बांटें, और हम जो पैसा देते हैं वो सरकारी अपने अधिकारी हाथ में लेकर के उनको बांटे, ये जो अंतर दिखा, इस अंतर के कारण से अंतर्द्वंद पैदा हुआ। मैं सोचता हूँ इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर MLA लिखना है तो सभी MLA लिख दो, नाम मत लिखो, MLA फंड के द्वारा हुआ MLA फंड कर जाए, लेकिन मैं गुलाबचंद कटारिया देऊँ उसको तो आपका सरकारी अधिकारी बिना गुलाबचंद के नाम से या बिना MLA के करे, और अगर भीम का MLA बांटे तो अपना नाम और फोटो भी उसके पीछे छपा करके बांटे, ये दोनों में अंतर तो है। इस कारण से कुछ चीज़ों को हमने जो अच्छी परंपरा शुरू की थी उस अच्छी परंपरा को हमने कहा, लेकिन जितना आप खुश होते हो ना, जितना धन्यवाद देते हो उन्हें, बहुत अच्छा प्रदर्शन। मैं आपको आपका नक्शा दिखाता हूँ, ये जो आपने स्वास्थ्य विभिन्न गतिविधियों के लिए जो 6,403 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था, लेकिन 31 दिसंबर तक इसमें आपने जो खर्च किया है वो मात्र 50% पैसा ही खर्च हुआ है, जो कि इस कोविड के लिए और बीमारी के लिए रखा था। पूंजीगत व्यय के लिए आपके पास 185 करोड़ रुपया था, उसके अगेंस्ट में आपने केवल 67 करोड़, इसका मतलब 36% पैसा केवल खर्च किया है। इसका मतलब आपने ये सारी व्यवस्था कहीं कहीं से आई होगी, तो देवे कोई और गीत किसी दूसरे के गाओ, ये तो यार न्याय नहीं है ना।
आपकी व्यवस्था से तो 36% पैसा ही बता रहा है कि जो आपने खर्च किया है। भामाशाह बीमा योजना के लिए आवंटित आपको जो बजट में अलॉटमेंट हुआ वो 1241 करोड़ रुपया हुआ, और आपने जो भामाशाह योजना में खर्च किया वो केवल और केवल 350 करोड़ रुपया खर्च किया। इसका मतलब केवल 28%। इसका मतलब उस गरीब को जो मदद इस पैसे से मिल सकती थी, पैसा आपके पास था, बजट प्रावधान था, लेकिन आपने उसको रोक दिया और उसके कारण से वो गरीब मरने के लिए मजबूर हुआ कि नहीं हुआ, ये आपके आंकड़े बताएं। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, बहुत ज़्यादा आप बार बार सब उठ रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद। जो आपने निःशुल्क दवा योजना जब लागू की थी तो मैंने आपकी तारीफ की थी ना यहाँ, कि उस गरीब को अगर ये सुविधा मिलती है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में बड़ी खुशहाली और उसको आनंद का अनुभव होता है, लेकिन उसकी क्रियान्विति कितनी होती है उसको कोई देखने वाला है कि नहीं है। ये जो आपकी निःशुल्क जांच योजना के लिए आवंटित बजट था आपको 220 करोड़ रुपया, इसमें से आपने खर्च किया है 11,57,00,000 रुपया, केवल और केवल 19%। कितना? केवल 19%। इसका मतलब क्या हुआ कि कोविड की जांच के अलावा बाकी जितने भी लोग मरीज थे, या तो आपके अस्पताल बंद थे या जांच नहीं हो रही थी, या उन लोगों को उस जगह वो जांच की सुविधा नहीं मिली, ये फिगर इस बात को बताते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण में आपने बिंदु संख्या 16 में चिकित्सकों के 2000 पदों की अतिरिक्त पद सृजित करके उनकी नियुक्ति, बहुत अच्छा, लेकिन आपका प्रगति रिपोर्ट ये बताता है कि उसी दिन 2227 चिकित्सक के पद आज भी रिक्त है। आप जिसके लिए अपने आप को धन्यवाद दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बार भी देखो कि वास्तव में 31 दिसंबर को 2120 चिकित्सक के पद खाली थे। राज्यपाल के अभिभाषण में आपने 11,000 भर्ती किया नर्सिंग, उसके लिए तो धन्यवाद, बजाओ ताली, लेकिन खाली कितने हैं? 35,000, इसके लिए बजाओ एक ताली, तो उससे अपने को लगेगा वास्तव में हम काम को बारे में प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हमारे पास पैसा होते हुए भी। अब आप लोग जितने भी, मैं सोचता हूँ कि केंद्र सरकार ने आपको हर प्रकार से इस कोविड की महामारी में सशक्त करने का प्रयास किया, लेकिन आप में से एक बंदा भी ऐसा नहीं निकला, और सरकार ने भी राज्यपाल के अभिभाषण से भी कहलाने का प्रयास नहीं किया कि उन्होंने जो जो मदद की उसके लिए उनका आभार, और आवश्यकता होती तो उसके लिए और कहें। मैं सोचता हूँ जिस प्रकार का स्वभाव बना है ना, ये यहाँ डिबेट होती है पक्ष और विपक्ष कि गोली से आदमी मर सकता है नहीं मर सकता है, डिबेट दो तो मैं कह सकता हूँ नहीं मर सकता है, ये होगा, ये तर्क है क्या है? मैं सोचता हूँ इस सदन का उपयोग इस बात के लिए को कमी रही उसको बताओ, और उसका आगे सुधार के रास्ते क्या हो सकते हैं उसका उपयोग करो। पर दुर्भाग्य है मैं देख रहा हूँ कि आप अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए जो जो तर्क दिए जा सकते हैं वो तर्क दे करके उसको जिस प्रकार की ऊंचाई चाहिए वो नहीं। आपको जो क्या इस बात के लिए आपको गर्व नहीं है, मुझे गर्व नहीं है, पर एक बंदा इस बारे में बोला कि वैक्सीन दो हिंदुस्तान ने तैयार कर दी ना, उन हिंदुस्तान के उन वैज्ञानिकों को आप कम से कम धन्यवाद तो देना चाहिए कि सारी देश और दुनिया जिस कोविड की वैक्सीन के लिए प्रयत्नरत था उस प्रयत्नरत में हिंदुस्तान के लोगों ने भी दो वैक्सीन निकाली है, और उसके कारण से आज निःशुल्क वैक्सीन, मैं सोचता हूँ दुनिया के अगर किसी और देश में गई तो उसका उदाहरण आप जवाब दो उस तब से बता देना, लेकिन हिंदुस्तान में निःशुल्क वैक्सीन इन सब लोगों को लग रही है, ये कोई सामान्य घटना है? या मैं सोचता हूँ इसके बारे में भी आपका मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है कि इतनी बड़ी सुविधा जनता को इस महामारी के समय में दिया उस पर बात नहीं है। आपने वैज्ञानिक, मैं सोचता हूँ कि कोविड-19 में आपको ये जो आप 50,00,000 रुपया का बीमा कह रहे हो ये केंद्र सरकार ने पहले ही घोषित कर दिया, नहीं कर दिया आपने उसमें कुछ संख्या एक्स्ट्रा बढ़ाई हो तो वो आप कहो, वहाँ तक तो ठीक है कि हमने ये तो केंद्र सरकार ने 50,00,000 का बीमा में इन इन को कवर किया था, इनके अलावा ये बच गए थे जो हमको, हमने राजस्थान में इन लोगों को और कवर किया और उस दायरे को बढ़ाया, बात समझ में आ सकती है, पर उसके बारे में भी आप ये को नहीं, हमने 50,00,000 रुपया बीमा करा, हमने 50, ये गलत फहमी लोगों के पास मत भेजो। कोविड ने ये जो आपने देखा होगा राजस्थान को क्या 1888 करोड़ रुपया नहीं दिया इस कोविड की महामारी के समय में, और उसमें से 1780 करोड़ रुपया तो आपके पास आ चुका है ना, आप अपना खाता देख करके बताना। क्या इसके अतिरिक्त राजस्थान में 50,000 पीपी किट नहीं दिए, 1,00,000 जो आपको 95 मास्क नहीं दिए, 2,00,000 जो है ना वो आपको ट्रिपल मास्क नहीं दिए, इतने
3,71,00,000 रुपया आपको इन सामान को खरीदने के लिए दिया और आपने और हमने सबने खड़े होकर रात को जो है एक तरह से लॉकडाउन लगा दिया। अरे आप तो उससे ही पहले लगा चुके हैं ना, क्या जवाब है आपका? आप लगा दो वो तो बहुत अच्छा, और देश का प्रधानमंत्री लॉकडाउन लगा दे वो आपको बड़ा खराब लगता है। जाके यहाँ आपको भाषण देना हो वहाँ तो ये खड़े होके तो सबसे पहले हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगाने वाला मुख्यमंत्री कौन? तो महात्मा गांधी जी के अगुवानी। और जब देश का प्रधानमंत्री, अगर मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, केवल शब्दों के आधार पर विश्लेषण मत करो, अगर ये उस समय लॉकडाउन नहीं लगता तो आपके पास पीपी किट था क्या? आपके पास मास्क तैयार था क्या? आपके पास हॉस्पिटल तैयार था क्या? आपके पास बेड तैयार था क्या? आपके पास वेंटिलेटर तैयार थे क्या मरीजों के हिसाब से? मैं सोचता हूँ उस महामारी को तुरंत कंट्रोल करने के लिए उस कठिनतम स्टेप को उठाना पड़ा, केवल इसलिए कि जनता को किसी प्रकार से इस महामारी से बचाया जाए। इसके लिए तो और कुछ नहीं था, लेकिन आपने उसकी भी आलोचना की। ये जो आपने देखा होगा कि उस समय जिस प्रकार की घटनाएं घट रही थी कि जो लोग कोरोना में, इस महामारी में कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो काम कर रहे थे उन पर हमले हुए थे, वो जहाँ के भी जा रहे थे उनके ऊपर आत्मघाती हमले हुए, उस पर जमानती है ना अपराध घोषित किया कि नहीं, गैर जमानती अपराध घोषित करने का कानून बनाया कि नहीं बनाया? लॉकडाउन की समय अवधि के दौरान मैं सोचता हूँ कि आपको, आप अपना खाता देख के बताना, आपको 9.14 लाख मैट्रिक टन अनाज राजस्थान को केंद्र की सरकार ने दिया कि नहीं दिया? मेरे आंकड़ों को झूठा देना कि वास्तव में हमारा आंकड़ा झूठा है। ये किसके लिए दिया था? गरीब को मदद करने के लिए दिया, भूख से न मरे इसलिए, और भूख से नहीं मरे, भूख से नहीं मरेगा, आपका गांठ का क्या लगा है? अगर लगा हो तो मुझे अकाउंट बता देना कि आपका भूख से नहीं मरने के लिए जो अनाज आया वो आपका था या केंद्र सरकार का था? भगवान के लिए उस आंकड़े को स्पष्ट कर देना ताकि समझ में आ सकता है। मैं सोचता हूँ बीपीएल कार्ड के लिए भी उन्होंने पैसा और 80 करोड़ लोगों को, ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ होगा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, वो भी अप्रैल से लेकर के नवंबर तक, केवल राजस्थान नहीं हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को पहुँचाने का काम जो ऐतिहासिक काम हुआ ना, उसके बारे में भी आप एक शब्द नहीं बोल सकते। अब राज्यपाल के भाषण से आपने, अब उस राज्यपाल के भाषण को आप पढ़ो और पढ़ने के बाद थोड़ा मनन करो, ये भी हो रहा है, ये प्रगति है, ये प्रगति है, हुआ क्या ये बताओ ना, हुआ क्या ये तो बोलते नहीं, आगे चल रहा है, हो रहा है, देख रहे हैं, चल रहा है, ये मैं बताता हूँ आपको। ये जो आपने बताया ना 25 आरओबी और 41 आरयूबी के निर्माण कार्य प्रगति पर है, प्रगति पर है। अब मतलब मार्च 31 को साल एंड हो जाएगा और अभी तक ये प्रगति पर है, ताकि अब 2-4 साल बाद पूरा होगा। प्रदेश में 500 से अधिक आबादी सड़कों को, वंचित गांवों को सड़क से जोड़ने की योजना के तहत, ये पैसा तो केंद्र से ही मिलता है ना, 296 गांवों को जोड़ने का काम प्रगति पर है। प्रधानमंत्री सड़क योजना तृतीय फेज का प्रथम चरण में 1,139 करोड़ रुपये की लागत के 2,198 किलोमीटर में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन और 237 कार्य और इनके एक तरह से 383 करोड़ रुपए की लागत के 2,252 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का नवीनीकरण कार्य प्रगति पर है। कब? आज तारीख हो गई अपनी 15, केवल 1.5 महीना बाकी रहा है और प्रगति पर ही चल रहा है। प्रदेश के प्रत्येक शहर गांव ढाणी में फ्लोराइड सहित शुद्ध और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 218 कब 218 मंत्री महोदय 2018 से जो 44 वृहद पेयजल योजनाएं चल रही थी, प्रगतिशील थी, अभी तक केवल 11 पूरी हुई है, 25%। किसको समझाना चाह रहे हो? कम से कम हमारे काम की गति को सुधारना हमको पड़ेगा, कौन पड़ेगा? मैं सोचता हूँ कि जितनी योजना है प्रगतिरत प्रगतिरत, वास्तव में जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने आपको मदद की और आप सब लोग खड़े होकर के पेट्रोल का दाम बढ़ा, पेट्रोल क्या हिंदुस्तान में सब जगह बढ़ रहा है कि अकेला आपका ही बढ़ रहा है? आपके लिए को अलग कानून बनाया केंद्र ने, और ये कानून बनाने के अधिकार किसने दिए थे कि ये कंपनियां जो है समय समय पर अपना हिसाब देख करके जब इनको लगे कि इसमें दाम बढ़ रहा है तो सारे देश में एक साथ बढ़ते हैं, आपके अधिकार में था क्या? ये अधिकार किसने दिया था? आपकी सरकार थी यूपीए की, तब ये सरकार इन कंपनियों को दिया था, जिसके कारण से रोज भाव आते हैं, कभी आज 5 पैसा बढ़ गया, कभी 25 पैसा बढ़ गया, ये उसके तहत बढ़ता है।
अब आपके अधिकार क्षेत्र में जो था उस अधिकार क्षेत्र में तो आप प्रयोग नहीं, और केवल 2% आपने वेट कम कर दिया। बजाओ ताली, इसकी दुर्गति देखी है आपने, इस वेट की क्या दुर्गति आपने कर रखी है। राजस्थान हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल पर वेट लेता है, सबसे ज़्यादा राजस्थान लेता है। 2% छोड़ने के बाद भी 36% पेट्रोल पर और 26% डीजल पर। बिहार लेता है कितना पेट्रोल पर? 26% और 19%। छत्तीसगढ़ लेता है 25% और 25 और उसके बाद 25। दिल्ली लेता है 30% पेट्रोल पे और 16% डीजल पे। और आपका गुजरात लेता है 20% दोनों पर, डीजल पे भी ऑटन, और हरियाणा लेता 25-25। इसकी दुर्गति क्या हो रही है? इसकी दुर्गति हो रही है कि जो बॉर्डर पर हमारी स्टेट है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे गुजरात है, वहाँ हमसे 9 रुपया सस्ता डीजल और पेट्रोल मिलता है, इसलिए तस्करी भी होती है। और वहाँ के जो किनारे के जितने पेट्रोल और डीजल के पंप है ना, वो सब उबासियाँ खा रहे हैं, उनका पैसा भी नहीं मिल रहा, तो कौन भराएगा? और इसके कारण से इल्लीगल शराब और पेट्रोल लाने का एक नई गैंग आपने तैयार कर दी, इसके बारे में देखने की ज़रूरत है। मैं सोचता हूँ कि ये जो आप कुछ अपने काम के बारे में देखो, अगर इसमें आप ये लिखते ना कि हमने ये काम किया। अब ये जो भर्तियां है, आप और हम रोज आंकड़े पढ़ते, भर्तियां, पहले बजट में कह दिया हम 75,000 कर रहे हैं, फिर कह दिया 56,000 कर रहे हैं। अरे भले आदमी, जो भर्तियां हो रही है उनकी क्या दुर्गति है? कोई इसको देखने का चाहेगा कि नहीं चाहेगा? इस अधिकारी किस काम के हैं कि अगर इस कारण से बच्चों को जिस प्रकार के बर्निंग होता है कि वो परीक्षा की तैयारी करता है और पेपर आउट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ये चिकित्सा विभाग में रेडियोलॉजिस्ट के 1,058 पद है ना, फिजियोथेरेपी इसके 30 पद है, एक टेक्नीशियन के 1,119 पद है। भर्ती निकाली गई लेकिन अंतिम निर्णय नहीं हुआ। बिजली कंपनियों के विभिन्न पदों पर 2,300 पदों की भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं हुई अभी तक। पटवारियों की भर्ती की परीक्षा जनवरी 21 में तय थी, अभी तक आप इसके बारे में परीक्षा, इसमें 13 लाख विद्यार्थियों ने फार्म भरे हुए हैं और जो रोज़ सड़क पे आते हैं, क्योंकि नौकरी तो सबको चाहिए ना। कनिष्ठ अभियंता के 533 पद थे, इसमें 31,000 बच्चों ने इसमें भरा है, लेकिन पेपर लीक हो गया और उस पेपर लीक होने के बाद वो परीक्षाएँ रद्द हो गई। उसका कोई जिम्मेदार नहीं, पेपर लीक हो जाए तो किसी अधिकारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब कहीं तो एकाध को तो दाग लगाओ कि जिनके कारण से इतना बड़ा स्टेट को नुकसान होता है और उन बच्चों को जिस प्रकार की बर्निंग होती है मन में, आपका और मेरा बच्चा भी जो परीक्षा देता है ना, तो उसको कितना लगता है। आपने देखा कि पुलिस की भर्ती निकाली आपने 5,400 और एक ही दिन एक ही पेपर हुआ, लेकिन आपने मेरिट बना दी जिले के अनुसार, वो हाईकोर्ट गया, रिजल्ट रुक गया। अब ये छोटी छोटी गलतियों के कारण से मैं सोचता हूँ कि जिन बातों में आप समझते हो, ये ना मेरे यहाँ से मैं जब था तब ये जो दूर संचार की एक भर्ती निकाली थी 233 लोग, उस पे ऊपर जो है ना लगभग 10,000 अभ्यर्थियों ने अप्लाई कर रखा है, लेकिन 4 साल बाद आपने एक आदेश निकाला भर्तियाँ रद्द की जाती है। अब आप सोच लो जिन लोगों ने इसमें अपनी योग्यता रखते थे उन बच्चों पर क्या गुजरती होगी, जिसको कभी कष्ट हो तो देखना चाहिए वास्तव में। अभी आपने देखा 31,000, शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा खुश हुए, 31,000 भर्ती निकाली हमने थर्ड ग्रेड की, लेकिन उस पर रोक क्या लगा दी कि इसमें बीएड का विद्यार्थी नहीं बैठ सका? क्यों? अधिक योग्यता कितना पाप है क्या? आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उसके कारण से क्या हुआ, हाईकोर्ट ने आपको रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करने का नहीं, बीएड वालों को मिलाओ। अब बीएड वालों को मिलाने के कारण से आपकी वापस परीक्षाएं गई अप्रैल में। अगर ये समय पर होता तो ये तकलीफ नहीं आती, लेकिन आप इसको ठीक तरह से, ये जो पूर्व प्राथमिक की जो आपने परीक्षा की 1,350 पदों की, इस 50 पदों में से जब इनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हुआ तो 850 फर्जी डॉक्यूमेंट निकले। ये एक बहुत बड़ा धंधा और गैंग बन गई है राजस्थान में। नौकरी पाने के लिए चाहे वो लाइब्रेरी में हो चाहे किसी में भी हो, बहुत बड़ी तादाद में कोई गैंग काम कर रही है जो इस प्रकार के इन बच्चों को फर्जी सर्टिफिकेट ला करके देती है, और कई तो उस पर नौकरी लग गए। मैं आज विश्लेषण नहीं करना चाहता हूँ, कई आज की तारीख में आपके लगे हुए बड़े बड़े अधिकारी, अगर ईमानदारी से उनके डॉक्यूमेंट चेक करो तो फर्जी निकलेगा। क्या इस प्रदेश का दुर्भाग्य नहीं है?
कि हम इस प्रकार की व्यवस्था को ठीक प्रकार से कर नहीं पा रहे हैं। अब मैं सोचता हूँ कि अभी आपने रीट की परीक्षा के बारे में हमने कहा कि यार महावीर जयंती है, दो दिन पहले कर लो यार, कम से कम हमारे इतने बच्चे जो है ना परेशान होंगे, और इतने स्कूल और कॉलेज हमारे भी समाज के द्वारा चलते हैं, वहाँ भी वो सारा का सारा स्टाफ, क्योंकि सेंटर है तो उनको जाना ही पड़ेगा, 100% उनको काम देखना ही पड़ेगा। अब इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसको आप आगे करो, बच्चों को बहुत हार्ड बर्निंग होती है, चाहे वो बच्चा मेरा हो, किसी की परीक्षा देने के लंबे समय के बाद एक तारीख तय हुई और उसमें अगर कोई बदलाव करो तो उसके मन में पीड़ा तो होगी। मैं चाहता हूँ उसको 5 दिन पहले कर लो, 7 दिन पहले कर लो, जो भी आपको ठीक प्रकार से व्यवस्था होती है उसको। अब पेपर लीक होने का भी एक सिलसिला चल पड़ा है, मैं मतलब आपने देखा होगी आरएएस भर्ती 2013 978 पदों के लिए भर्ती निकाली गई आपने, अब उसके और 11 जून 14 को जारी भी किया, 11 जून से पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द कर दिया। अब मैं सोचता हूँ कि इस स्तर की परीक्षाएं भी अगर पेपर लीक होने के कारण हो जाए और उसमें से किसी को सजा नहीं मिले, किसी को दाग नहीं लगे कि ये पेपर लीक हुआ कैसे, आखिर कौन जिम्मेदार इसका। मैं सोचता हूँ जो लोग मेहनत करते हैं ना उन लोगों की पीड़ा को नहीं समझने का। ये एपीपी भर्ती 2011 आरपीसी की तरफ से 159 पदों के लिए 2011 में भर्ती की परीक्षा हुई, प्रश्न पत्रों में गड़बड़ी के चलते परीक्षा रद्द हो गई। अब आखिर कोई तो जिम्मेदार होगा। कॉन्स्टेबल भर्ती 2018 जब मैं था, मैं जो इसमें अपनी गलती स्वीकार करने में कहीं डर नहीं है, मैं कहता हूँ 2018 भर्ती में है ना 15,000 कॉन्स्टेबल भर्ती को हमने निकाला, लेकिन 7 मार्च 2018 को कॉन्स्टेबल भर्ती की ऑनलाइन भर्ती वगैरह आयोजित हुई, पुलिस को 11 मार्च को प्रश्न पत्र आउट हो गया ऐसी जानकारी मिली, हमने उसको निरस्त की। लेकिन उन बच्चों को तो कष्ट हुआ जो बच्चे परीक्षा देने थे, तो उन लोगों को भी तो आइडेंटिफाई करो यार, जिनके कारण से पेपर लीक हुआ यार, अगर हम उनको नहीं करेंगे तो फिर तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपने देखा होगा कि इसी तरह से ये जो RPMT का 2014 का राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान का, इसी में पेपर लीक आउ, इसी तरह से 6 जून को जारी हुई थी है ना, उसमें 86 सवालों में गड़बड़ी के चलते परीक्षा को रद्द करना पड़ा, पेपर सेटिंग ही ऐसा हो गया जिसमें 46 प्रश्न गलत थे। तो आखिर कोई तो लाइब्रेरियन के 2018 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 7,000 पदों के लिए 29 दिसंबर 2019 को आयोजित हुई पेपर लीक के चलते परीक्षा रद्द हुई, LDC भर्ती परीक्षा 2013 जो मैंने अभी आपको कहा वो रद्द की, JN सिविल डिग्री धारी भर्ती परीक्षा राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से JN सिविल डिग्री धारी 533 पदों के लिए 6 दिसंबर 2020 को परीक्षा आयोजन और पेपर लीक होने के कारण से परीक्षा को निरस्त किया गया। मेरी केवल कहने के पीछे भावना यह है कि इस प्रकार की परीक्षा आयोजित करते हैं इसको समय पे कराओ, इसके लिए जो भी उत्तरदायित्व है उस आदमी को आइडेंटिफाई करके सजा दिलाओ, ताकि भविष्य में कम से कम ये पेपर लीक होने की जो समस्या आती है वो कम से कम नहीं आए। अब आपने सबने आपने जो ये जो बातें जो की ना कि हम नौजवान को 3500 रुपये देंगे, थोड़ा बहुत तो आदमी के मन पे असर रहता है, नहीं रहता। मेरी बच्ची ने भी मुझे पूछा, पापा कम से कम नौकरी नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं हमको 3500 रुपये हाथ खर्ची तो मिलेगी। तो वास्तव में उस बच्चे के मन में स्वाभाविक होता है, और इसलिए आपने 3500 रुपया उसमें जो आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि बेरोजगार बच्चों को या तो नौकरी मिलेगी या फिर आपको भत्ता मिलेगा, तो सबके दिमाग में ये तो आया कि कम से कम 3500 रुपये तो मुझे मिलेगा, बच्चे का मन स्वाभाविक हुआ। और आपको वोट दिए उन्होंने, कितने ज़्यादा मिले, 50,000 ही मिले ना, आपके और हमारे बीच में वोटों का अंतर तो 50,000 का ही था ना, 52,000 तो पोलिंग स्टेशन है, इसका मतलब एक पोलिंग पर एक वोट ही ज़्यादा मिला, ज़्यादा इतना अभिमान करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पैर की तरफ देख के झांकने की जरूरत है कि जिन आधारों पर हमने वोट को कलेक्ट करने का प्रयास किया ना वो वास्तव में वो उचित नहीं था। अब आपको किसने सोगन दिलाएगा, आप सबको ये कहते हमने भी किया यार, राठौर साहब को हमने चेयरमैन बनाया संविदा कर्मियों के लिए, पर हमने ये कभी नहीं कहा था, हमने ये कभी नहीं कहा कि हमने कोई अपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको हम राजकीय नौकरी में लगा देंगे, ये हमने कभी नहीं कहा। हमने उनकी मदद करने के लिए जो जो भी हो सकता है, जितनी उनकी सैलरी बढ़ाई जा सकती है, जो कुछ किया जा सकता है वो करने का तो जरूर प्रयास किया, पर आपने तो सीधा ही गुड़ यहाँ कुटने में लगा दिया। अब वो बच्चा घूमेगा नहीं क्या, ये भी एक दो संख्या नहीं है, ये 3 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं जिनको आपने कोहनी में गुड़ लगाया,
ये कह करके कि आप सबको हम राज की नौकरी न, अरे भाई कुछ नहीं लग सकता तो नहीं लग सकता यार, जितना हो सकता उतना ही कहते तो। लेकिन नौकरी में अपने नरेगा में 60,000, पंचायत सहायक में 27,000, आपको हमको दया नहीं आती। वो पंचायत शायद 8-8 साल से नौकरी कर रहे हैं और अभी रुपये कितने देते हो, 6,000। घर पे जाएगा तो अपने बच्चों को जहर खिलाएगा, क्या खिलाएगा? अगर आपका और मेरा बच्चा भी अगर इसी में लगा हुआ नौकरी हो ना, और शादीशुदा और दो बच्चे छोटे हों, 6,000 में यार क्या कर सकता है वो? कम से कम यार मिनिमम वेजेस तो दो, जिसके कारण से कम वो बच्चा जिंदा तो रहे, है ना। हमको सब पराकाष्ठा को पार कर गए और हम बजट कम है, हमारे पास पैसा कम है, ये बेकार की बातें हैं। पैसा कम है तो जहाँ से काटना है वहाँ काटो, लेकिन उस बच्चे का पेट काट करके उसके परिवार को बर्बाद करने का काम करते हो। विद्यार्थी में तो 24,000, पैरा टीचर 15,000, फार्मेसी 1,500, NRHM का 4,500, प्रेरक 1,750, जनता जल योजना 10,000, आंगनवाड़ी 62,000, ये सारा मिला करके 3,00,000 से अधिक लोग जिनको आपने, मैं अगर पढ़ दूँ तो आपने जो घोषणा की थी वो क्या है, सरकार ने संविदा कर्मी NRHM और NUHM कर्मियों, पैरा टीचर, उर्दू पैरा टीचर, लोक जुम्बिश कर्मी, आंगनवाड़ी कर्मी, शिक्षा कर्मी, विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायक आदि के अंतर्गत कार्य कर्मचारियों को समस्या का समाधान नियमित किया जाएगा, यही लिखा ना। अब ये लिखने के बाद अगर आप 2.25 साल के बाद यू टर्न कर जाओ, 8-8 मीटिंगें करो, बड़ी अच्छी मीटिंगें हो रही है, बहुत बढ़िया काम है, वो बच्चा लटका रहता है कि आपकी मीटिंग में कुछ होगा, आपकी मीटिंग को 8 में तो हुआ नहीं, अब 9वीं में कोई आसमान पड़ेगा? अगर नहीं कर सकते तो जो कर सकते हैं कहना चाहिए, कम से कम वो बच्चा कहीं और जगह तो जाए। यहाँ का यह लटका रहता है, ये सोचता आज नहीं कल परमानेंट हो जाऊँगा, आज नहीं कल परमानेंट हो जाऊँगा, उसे पता है कि मुझे कोई और रास्ता ढूंढना है तो और रास्ता ढूंढेगा अपने जीवन को चलाने के लिए। लेकिन आपके इस गुण के कारण से न उधर जा सकता है न इधर जा सकता है। और आपने उच्च शिक्षा मंत्री जी, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, ये अभी तक मैंने कभी नहीं देखा, मैं भी इतने साल से इस विधानसभा में हूँ, कि आप कॉलेज खोलो और उसका बजट प्रावधान नहीं हो। 88 कॉलेज खोले आपने, लोगों को ताली बजाने के लिए खोले, आखिर उसका होगा क्या यार? और उसके कारण से आप 88 कॉलेज खोलने के बाद आपको एक पैसे की व्यवस्था नहीं है। और अभी भी आपने उत्तर दिया है कि हम माइनिंग फंड से करेंगे, क्यों माइनिंग फंड आपका इसके लिए था क्या? माइनिंग फंड का अपना एक नॉन से कैसे खर्च होता है, लेकिन आपने उसमें से हमने कमरे बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए दे दिया। मैं सोचता हूँ ये दुर्भाग्य है रास्ता में राजस्थान। आप लोगों ने जब कुछ भी बात होती ना, जब आप अपना घोषणा पत्र, कांग्रेस के घोषणा पत्र पृष्ठ 11 बिंदु संख्या 21 में वादा किया था, महाविद्यालय विश्वविद्यालय में भय मुक्त वातावरण स्थापित किया जाएगा, इसी प्रकार जन घोषणा पृष्ठ के संख्या 36 में बिंदु संख्या 80 में वादा किया कि सरकार द्वारा 0 डिस्क्रिमिनेशन, 0 करप्शन, 0 हैरेसमेंट सिद्धांत का पालन किया जाए। कर रहा हूँ ना राम, आपके और तकनीक मंत्री जी के स्टेटमेंट को पढ़ो तो कैसा बढ़िया लगता है। ट्रांसफर करता है, दूसरा रुकवाता है, फिर आप कुछ बोलते हो, क्या जनता को देख करके दुख नहीं होता है कि क्या हो रहा है ये तमाशा? कम से कम वो काम करना चाहिए जो सर सारा ढांचा चरमरा गया है। मैं आपको सही बहुत दुख मन से कह रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि हमारी क्षमता जितना होता ही करो ना, कोई जरूरी थोड़ी है ऐसी लोक लुभावना। आज की तारीख में 2,500 कॉलेज स्कूल कॉलेज एजुकेशन में 2,500 पद रिक्त हैं, 2,500, और पढ़ा कौन रहा है बच्चा? गेस्ट फैकल्टी, वो भी वेल क्वालिफाइड है, टॉपर है। आपने उसको ऐसे नहीं लिया कि किसी ने गुलाबचंद जी का जो भर्ती का ना, आपने उसकी मेरिट के आधार पर भर्ती किया। वो बच्चा 8-8 साल से अभी तक 12,000 और 14,000 की तनख्वाह बढ़ा है, कहाँ पढ़ाता है? कॉलेज में लेक्चरर हूँ, और घर जाके देखता है तो क्या लगता है बच्चा? कम कम इसे विचार नहीं हो सकता है कि आखिर इसका क्या होना है क्या नहीं होना है? मैं सोचता हूँ कि आपने कहा कि 1,000 हमने सहायक आचार्यों के पद की भर्ती, अरे ये तो किरण जी के समय निकली हुई भर्ती है भाई, ये अपने खाते में ताली बजवाने से क्या फ़ायदा निकलेगा? ये भर्ती उस समय की एक नहीं निकली हुई, उस भर्ती को भी आप अपने खाते में डालने का प्रयास करो। अब विश्वविद्यालय जैसे आपका सीकर है, अलवर है, भरतपुर है, बांसवाड़ा, अभी तक खुलने के बाद एक टीचर की भर्ती नहीं हुई, सिंगल, कितनी सिंगल यूनिवर्सिटी चल रही है, एक अध्यापक की भर्ती नहीं हुई। और पत्रकारिता विश्वविद्यालय में जो कुलपति हैं उनके बारे में जब ऑब्जेक्शन किया तो आपने कहा नहीं है तो पत्रकारिता के बहुत विद्वान आदमी है, थानवी जी इनको लगाना चाहिए,
तो फिर ये लॉ कॉलेज जो खुला है ना आपका विश्वविद्यालय, जो लागू अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, इसका कुलपति क्या वकील है? नाम बता देना एक बार, ये कहाँ से आया, कौन है? एक जगह कानून दूसरा, दूसरी जगह कानून दूसरा, ये कौन सा तरीका होता है? मैं जो जनघोषणा पत्र के 10.4 में वायदा किया था कि सभी वर्ग के छात्र, समस्त छात्राओं की प्रारंभ से अंत तक की राजकीय विद्यालय महाविद्यालयों में संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क की जाएगी। अब ईमानदारी से यार, मैं अभी मेरे पास है काम, मैं वो लेकर आया हूँ जो बच्चों ने अपना पैसा जमा कराया। आप बिल्डिंग के नाम से 300 रुपये ले रहे हैं, इसके नाम से 300 रुपये ले रहे हैं, और केवल उसकी ट्यूशन फीस है वो आप नहीं ले रहे हो। ये छात्रों के साथ छात्राओं बच्चियों के साथ न्याय है? किसने कहा आपको ये लिखो यार? जिसको भर्ती होना आएगा, जिसके घर से लाना होगा लाएगा, लेकिन पहले आप उसे दिखाते हो कि बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा देंगे, और निःशुल्क शिक्षा दे करके फिर उन बच्चियों से आप वो रसीद पटाते हो, तो पीड़ा तो जरूर होती है। पहले से उसे पता है कि मेरी जेब में पैसा हो तो जाऊँगा, बाकी नहीं जाऊँगा तो उसकी व्यवस्था करेगा। आपने पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, आयुर्वेद जैसे अन्य विद्यालयों के छात्रों की ट्यूशन फीस भी ली है, अन्य सब बच्चियों की भी ट्यूशन फीस भी ली है। इनमें किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं है। बात कुछ और कहते हो और करने का काम कुछ और करते हो, इसलिए मैं आपसे कहना हूँ कि अगर नहीं हो सकता है तो ठीक है, जो हो सकता है उतना कहो। अब आपने बहुत ही 73 और 74 संविधान संशोधन हुआ, आपने हमने सबने खूब तालियां बजाई, अच्छे काम है। वो क्या था कि समय पर चुनाव हो जाए, यही मंशा थी ना, कि आपका चाहे पंचायत राज हो चाहे नगर परिषद हो, हर 5 साल में, इतने सालों तक हो रहा था। अब की बार ये कोरोना कब आ गया? 19 में ही आ गया था क्या, जिसके कारण से नहीं हुआ? आपने मेरी नगर निगम के साथ नवंबर 19 में जयपुर का, जोधपुर का और कोटा का होना था, लेकिन आपने केवल इसलिए बहाना बना करके कि वहाँ अधिकारी लग जाए, और ये 74वां 73वां अमेंडमेंट का जो अर्थ था या मायना था वो ये था कि जनप्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि ही चार दे। अगर आपके और हमारे यहाँ भी दिल्ली की सरकार कोई ऐसा करे कि नहीं, कोई भी प्रशासन से 2-4 साल चलाओ तो आपको हमको पीड़ा नहीं होगी, लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है। लेकिन हमने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। मैं सोचता हूँ जो 6 नगरपालिका बनाए, आज आप खुश हो जाओ कि आपने बहुत महापौर बना दिए। बने तो 3 ही थे ना बहुमत के आधार पर, फिर वो ज़्यादा बन गए तो पकड़ा धकड़ी का धंधा हुआ ना। पहले भी होते थे चुनाव, कम से कम रिजल्ट निकलने के बाद दूसरे दिन अध्यक्ष हो जाता, उसके दूसरे दिन उपाध्यक्ष हो जाता। अब आप 6-7 दिन का गोता था, क्यों कि उदयपुर के पार्षद को ढूंढने के लिए अमेरिका जाना है क्या? मुझे 7 दिन का समय इसलिए लगता है क्या? मतलब क्या तमाशा है। और जिस प्रकार से आप गाड़ को रहते तो खुश हो जाओ, लेकिन हकीकत में ये पाप कभी न कभी सर पे चढ़ के बोलेगा कि जिस प्रकार से वार्डों की रचना की ना, उसमें जहर डाल दिया, जहर जो आगे चल करके ये सारे शहर जलेंगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि वास्तव में इस जहर का क्या परिणाम निकला और क्या नहीं निकला। अब आपने कब चुनाव कराने थे और कब चुनाव करा रहे हो? मैं सोचता हूँ कि अगस्त का महीना सबके लिए ड्यू था, 129 नगर पालिकाओं का अगस्त का महीने में ड्यू था, और उस अगस्त के महीने में आपने प्रशासक लगा करके उनको आगे पहुँचाया। 4 चुनाव कराए हमारी इस विधानसभा में आने के 2.25 साल में, 1 साल तो केवल चुनाव और आचार संहिता में निकल गया। चुनाव और आचार संहिता में सरपंच कभी बनेगा तो अलग बनेगा, फिर सरपंच के बाद जिला परिषद और पंचायत समिति बनेगी, अलग बनेगी। क्या कारण है भाई? इतने सालों तक अपन सब साथ कर रहे थे, ऐसा क्या तूफान हो रहा था कि सरपंच तो चुन लेगी, गांव की जनता वोट डाल जाएगी, और अगर जिला परिषद का वोट डाल जाएगा तो कोरोना हो जाएगा? इस कारण से ही चेंज किया ना उनको। मैं सोचता हूँ हम लोगों का सोच और काम करने का तौर तरीका इतना है कि मैं सोचता हूँ कि आपने 13 दिसंबर के दिन इन 50 नगर पालिकाओं का चुनाव कर दिया, वही 7 दिन का समय देकर के। अब उस समय आपके कितने लोग आए? 15 का बहुमत आया 50 में से, अगर मुझे सही याद रहा तो 50 में से आपने बना दिए कितने? क्यों, क्या एक करता है, सरकार का कोई लेना देना नहीं होता इसमें, ये आप भी जानते हो। वो 7 दिन दे या 10 दिन दे, ये उसका काम होता है। इलेक्शन कमीशन ही शेड्यूल तय करता है, सरकार नहीं तय करती।
किस बात पे हंस रहे हैं? और मैं भी जानता हूं कि सरकार की रिकमेंडेशन पे ही होता है, बिना सरकार की रिकमेंडेशन जी के। आप खुद रहे हैं, इलेक्शन कमीशन इज ऑटोनॉमस बॉडी, गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शन, गवर्नमेंट कैन नॉट गिव डायरेक्शन। इलेक्शन कमीशन अपने विवेक से ही इलेक्शन का शेड्यूल करती है, और इलेक्शन कमीशन ने ही ये शेड्यूल बनाया है। मैं समझता हूँ कि इस ये तो आप खुद मंत्री रहे, समझते होंगे कि भाई इलेक्शन कमीशन का काम है, सरकार का काम नहीं है। मैं सोचता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को भी इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था की जिम्मेदारी है। अगर इलेक्शन कमीशन भी इस तरह से एक चुनाव के जगह चार चुनाव कराए तो क्या हम रोक नहीं सकते? तो फिर यहाँ काहे को आते हैं? जनता के प्रतिनिधि के नाते हम यहाँ कानून बनाए, क्या बात करते हैं? आपने क्यों नहीं उठाया इस बात को? अगर आप ये गलत समझ रहे थे कि साहब इलेक्शन कमीशन को इतना टाइम नहीं देना चाहिए था, तो आपको उठाना चाहिए था ये बात। आप काहे के लिए बैठे हो? भैया, हम लोगों ने जिस स्तर पर भी आपके वार्डों के पुनर्गठन और इस चुनाव को लेकर के जहाँ जहाँ जाना था सब जगह गए, कोई ऐसी जगह नहीं जो हमने छोड़ी, लेकिन किसी ने भी इसको नहीं माना। अगर आप इसको अच्छा समझते हो तो 7 दिन के बजाय 15 दिन कर लो, ताकि और माल खरीदने में सुविधा रहे। चलो करो, कोई बात नहीं, हमें क्या लेना है? तो टाइम नहीं देना चाहिए था, लेकिन क्या करें, इलेक्शन कमीशन खुद स्वतंत्र है तय करने के लिए। वाह नहीं है, हम सब लेजिस्लेटर बनाते हैं, हम कानून बनाने वाले हम हैं। हमने कानून बनाया कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, उसके बाद सरकार की कोई भूमिका नहीं। प्लीज़ अप्रिशिएट इट। ये बात सही है कि जो कटारे जी कह रहे हैं उस कारण आज राजस्थान में स्थिति बन गई, अलग अलग चुनाव हो रहे हैं और तकलीफ है, ये बात सही है, पर सरकार का कोई भूमिका नहीं होती है। इट इज टोटल प्रेरोगेटिव ऑफ इलेक्शन कमीशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर ऑटोनॉमस एंड इंडिपेंडेंट, वी हैव टू अप्रिशिएट इट। हम इधर बैठे हैं चाहे इधर बैठे हैं, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हमने ये अधिकार दिए हैं, उस अधिकार के कारण स्थिति बनी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इलेक्शन कमीशन को अधिकार भी हमने दिए ना, तो लेने का अधिकार हमारा नहीं है? नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का जो प्रोविजन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को हम एडर करेंगे तभी तो कर पाएंगे। जब तक हम नहीं करेंगे तब तक इलेक्शन कमीशन जो करेगा उसको मान करना पड़ेगा। मैं सोचता हूं कि आखिर हमको इस समस्या के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए कि 73 और 74 अमेंडमेंट करने को धूली में डालने का अधिकार उनको नहीं होना चाहिए, और न सरकार को होना चाहिए रिकमेंडेशन करे कि यहाँ प्रशासक लगा दो। क्यों लगा दो? कानून है तो कानून के हिसाब से चलो, जिसका बनना होगा जो बन जाएगा, सरपंच बनता है तो जिला परिषद ही बन जाएगी। अलग अलग करने का औचित्य समझ में तो आना चाहिए। और जो 50 नगर पहले आपने 50 नगरपालिका का चुनाव किया, बहुमत 15 में आया था ना, 36 में बोर्ड बना लिया, ये अपनी सफलता है या ये जो 7 दिन की गैप का तमाशा है कि नहीं है? अब ये 50 मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, कम बोलता हूँ। मैं जानता हूँ इस 50 चुनाव में 14 लाख के वोटर ही थे, 14 लाख ही थे, ज्यादा थे 14 लाख वोटर में, और 1775 वार्डों का चुनाव हुआ तक नहीं इन 50 में। उसमें आपको 619 सीटें मिली कि नहीं मिली, ये 35% है कि नहीं है? 35% लोग आपको पार्षद जिताए और 65% आपको हराए, लगाओ टीप पे ठपटवा कि हमने बहुत बढ़िया कीर्तिमान कर दिया, लगाओ लगाओ, कोई बात नहीं। अभी 90 नहीं, अभी पार्लियामेंट में कौन से 60% में आप सरकार बना लेते हो, और यहाँ जो 2-3 बार सरकार आपने बनाई हुई, क्या आप 60% में बनाई थी क्या? वही 33-34-35% में सरकार बन जाती है। मैं आपको 1775 वार्ड इसलिए गुना रहा हूँ। माननीय सदस्य उस संसदीय परंपराओं का निर्माण कर रहे हैं, उन्होंने यील्ड नहीं किया है, वो बोल रहे हैं इन्होंने यील्ड अब किया है, मैं खड़ा हुआ यील्ड किया, वो बोल रहे हैं लीडर पॉपुलेशन बोले प्लीज डोंट इंटरवीन इट। परमिशन मैं दूंगा, ये थोड़ा देंगे परमिशन, तो मैं दूंगा भाई, तो आपको बोल रहे तो प्लीज गोविंद जी। अभी आपने नगर पालिका 90 का चुनाव किया, पहले ये 2276 कुछ वार्ड थे, आपने इनको तोड़ करके 3035 वार्ड बनाए। अब आप एक ही नगर पालिका में एक वार्ड 185 का बनता है और एक वार्ड 800 का बनता है, ये कौन सा तौर तरीका भाई?
ये कौन सा तौर तरीका है, और उसमें भी जाति विशेष के लोगों को ही रखकर। ये जो आपने डिवीजन किया ना, आपने वार्ड जो है ना लगभग 2300 के आसपास थे, उसकी जगह 700 वार्ड बढ़ा दिए, और इस तरह से वोटों को डिवीजन करके आपने वार्ड अधिक जीत लिए और अपनी पीठ थपथपा रहे हो। ये विष बेल बोया है, जो हर नगर पालिका आज नहीं तो कल जलेगी, उसको देखना। अब पंचायत राज में 2,41,00,000 लोगों ने वोट दिया, कितना 2,41,00,000। आपके इन दोनों में कितना दिया, एक में 29,00,000 लोगों ने वोट डाला, एक में 14,00,000 डाला। इसका तो आप यश लेने के लिए कर रहे हो। और जो आपको 21 जिलों में चुना हुए हैं, अभी 21 और 11 12 और बाकी है, मतलब क्या कलाकार है। मतलब मैं तो सोचता हूँ, बड़ा आश्चर्य लगता है कि अगर इस तरह से 3-3 स्टेप में 4-4 स्टेप में चुनाव हो और उसके बाद भी पंचायत राज में आपको 21 में से 5 ही जिला प्रमुख बने ना, या ज़्यादा बने। और वो भी आपने देखा होगा कि मैं सोचता हूँ कि ये ग्राम पंचायतों के भी चुनाव आपने 2 बार में कराए। अब ये आपके जो जितने आपके प्रधान थे उसमें से 1989 पंचायत समिति हमारी बनी, वो भी आपने इस गैप देकर के जो इधर से उधर किया। बाकी जितनी हमारा बहुमत है हम बना। मेरी विनम्र प्रार्थना है, इस खरीद परिवहन का धंधा बंद होना चाहिए, चाहे हमारी 2 कम बने या 2 ज़्यादा बने। इसके कारण से राजनीति को इतना गिरा दिया हमने, इतना गिरा दिया है कि जिसको संभालना मुश्किल होगा। मैं सोचता हूँ कि ये खरीद फरोत बंद करे, चुनी भी सरकारों को गिराना बंद करे। किसको भाषण मिला रहे, किसको भाषण मिला रहे, किसको मिला रहे भाषण, किसको मिला रहे हो? पूरे देश का सत्यानाश कर दिया, पूरे देश का सत्यानाश कर दिया, पूरे देश में, पूरे देश में सत्यानाश कर दिया। आपने गिराया, मिला रहे ये फालतू के मिला रहे। किसी और से करना अच्छे नहीं है, दूध पीते और से करना, दूध पीते बच्चे नहीं है। ये केवल इसके कारण से वही बोलो जो बोलना हो, उतना ही बोलो, उतना ही बोलो जितना बोलना हो, उतना ही बोलो। मैं सोचता हूँ उतना ही बोलो जितना बोलना जरूरी हो, जितना बोलना आवश्यक है उतना ही बोलो। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, उतना ही बोलो जितना बोलना जरूरी हो। आप खुद ही आपका मीटिंग हाउस बंद कर दूं, हाउस आप बैठे ना, आप मैं हाउस जब दूंगा, नीचे बैठे प्लीज, नीचे बैठे, नीचे बैठे, मैं हाउस शटडाउन कर दूं। ये अधिकार मेरे को दिया है, आपको नहीं दिया अधिकार, कर दो नहीं कर दो। अर्जुन मृदुंगर जी आपको नहीं दिया है, मैं आप आवासन के पहचानता हूँ कौन बोल रहा है। माने मदन जी क्या बोलूँ मैं आपको, आपको बोलो सुन रहे हो, आप इनको बोलो, आप सुन रहे हो, आप तो बोलोगे इनको बोलूँ मैं। फिर निवेदन करना चाहता हूँ, संसदीय परंपरा का हम पालन करें, उत्तेजित नहीं हो। जब लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहा है तो प्लीज उसका जवाब देने के लिए लीडर ऑफ हाउस कॉम्पिटेंट है। इसलिए मैं आपसे अभिनंदन निवेदन करूंगा, यदि हाउस में इस तरह से डिबेट नहीं होगी और यदि आप चाहते हाउस एडजोन करना है तो फोर्थ विद आई एडजोन इट। मैं ये अधिकार नहीं दूंगा राठौर साहब किसी को भी कि आप इनको आप करो ना, आप इनको प्रोवोक करो। हाउस नहीं चलाना, नहीं चला है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ मैं नियम और कानून का पालन करवाऊंगा, चाहे कोई नाराज हो चाहे कुछ हो। इसलिए मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। क्षण आते हैं उत्तेजित होते हैं, और राजनीति में उत्तेजित होने से राजनीति का फैसला नहीं होता है। ये हाउस डिबेट डिस्कशन और डिसेंट के लिए, तो आपको पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का, पूरी अपनी बात कहेंगे और सत्ता पक्ष को भी पूरी बात कहने का अधिकार है। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, ये यूट्यूब पर लाइव जा रहा है, जो नई जनता जो हमारी जो नई पीढ़ी है वो क्या संसदीय परंपरा को सीखेगी? हम ये संसदीय परंपरा सिखाना चाहते हैं, हम ये हाउस को इसमें जी इलेक्ट होकर आए हैं, हम क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं? मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ आपको, मैंने सोच समझ कर पूरी हाउस की प्रोसीडिंग को यूट्यूब पर डाल रखा है। इसलिए हमारा जो देश का जो प्रदेश का जो नौजवान आदमी है, वो जनता है, वो सब देख रही है कि हम किस तरह हाउस में बिहेव कर रहे हैं।
हम संसदीय परंपराओं को बनाए रखने के लिए अपने आचरण को इस तरह से व्यवहारित करें कि संसदीय लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बना रहे, और यदि संसदीय लोकतंत्र में विश्वास कम हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश में अराजकता बढ़ जाएगी। इसलिए मैं आपसे विनम्र शब्द निवेदन कर रहा हूँ, जब हम इस बात को जानते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहा है तो जब तक वो नहीं बैठे कोई इंटरव्यू नहीं करें। जब आपके लीडर ऑफ द हाउस बैठे हुए हैं वो कॉम्पिटेंट है, वो उनके पूरी बात का जवाब दे पाएंगे। इसलिए शांतिपूर्वक डिबेट को होने दें माननीय कटारे जी। अध्यक्ष महोदय, सरकार के चुनाव के समय में घोषणा की थी कि हम 5 साल तक बिजली का किसी प्रकार का पैसा नहीं बढ़ाएंगे। मैं अब जानना चाहता हूँ, या तो मेरे पास फिगर गलत हैं तो सुधार देना, या अगर मैं सही फिगर बता रहा हूँ तो उसको स्वीकार कर लेना, और उस जनता से कहना कि जो तुझे 5 साल का आश्वस्त किया था वो पालन हुआ या नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, जो 50 यूनिट 0 से तक चलाता है उसके ऊपर आपने 385 की रेट के गए 475 की रेट लगा दी, और उसके कारण से 90 पैसे प्रति यूनिट अंतर आ गया। उस समय फिक्स चार्ज जो 50 यूनिट तक था 100 रुपये था, उसको 125 रुपया कर दिया, 25 रुपया और बढ़ गया। ऐसा करके 65 रुपया प्रति यूनिट आपने इस पे से बढ़ा दिया। इसी प्रकार से आपने विद्युत शुल्क 40 पैसा, संरक्षण उपकर 15 पैसा, नगरीय उपकर 10 पैसा, फ्यूल चार्ज वर्तमान में 55 पैसे, ये सब मिला करके आपने ये जो चार्ज किया 1 रुपया 20 पैसा प्रति यूनिट, इसका मतलब सीधा ही जो आदमी अपने घर में एक लट्टू जलाता है उसको भी 60 रुपया अतिरिक्त देना है महीने से। मैंने इसका कैलकुलेशन किया, जो 50 यूनिट जलाता है, जो कंज्यूमर केवल 50 यूनिट, उसका सालाना बिल बनेगा 4,350 रुपया। मैं सोचता हूँ क्या वो गरीब दे पाएगा, और इसके कारण से भी कई बार वो इलीगल रास्ते अपनाता है, और उसके कारण से उसका मन होता है कि मैं किसी तरह से इससे भी बच जाऊँ और बिजली चली रहे। ये जो 51 से लेकर के जो 150 यूनिट है उसका बिल आएगा सालाना 14,940 रुपया। फिर उसके बाद सामान्यतः अपने सबके घर में 150 से लेकर के 300 यूनिट तक आते ही हैं, हमारा जो बिल आएगा वो 37,740 रुपया आएगा। मैं सोचता हूँ जो एक छोटे मोटा काम करता है, कैसे भी करके परिवार चलाता है, क्या वो इस बिल को दे पाएगा। और इसी तरह से 300 से लेकर 500 यूनिट वालों का 59,760 रुपया आएगा, ये केवल कंज्यूमर है। इसी तरह से आपने देखा होगा किसान का भी पैसा आपने बढ़ाया है, है ना, उसके भी कई प्रकार के चार्जेस लगा के। मैं ये समझ नहीं पाया, मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करता हूँ कि आखिर इसके बारे में किसी को सोचना चाहिए कि जो बिजली हम 4 रुपया 15 पैसा से लेकर 4 रुपया 80 पैसे में खरीदते हैं, राजस्थान की बिजली की जो खरीदने की रेट है वो 4 रुपया 15 पैसे से लेकर 4 रुपया 80 पैसे तक है, और हम वसूल करते हैं उपभोक्ता से 8 रुपये से लेकर 12 रुपया प्रति यूनिट। अभी उसके बाद भी घाटा होता है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में खराबी है। मैं सोचता हूँ इतना तो कोई भी प्राइवेट आदमी भी अगर कमाई करे ना तो वो भी नहीं कर सकता यार। जो 4 रुपये 15 पैसे से लेकर 4 रुपया और 80 पैसे में खरीदते हैं, उसको हम छोटे से छोटे कंज्यूमर को 8 से लेकर 12 रुपया प्रति यूनिट बेचते हैं, और उसके बाद भी दीवालदास हो जाते हैं, तो कहीं कहीं सोचने की आवश्यकता है। मैं सोचता हूँ हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर बिजली का दाम किसी का है वो हमारा राजस्थान का है, उस प्रांत का जो अपनी आवश्यकता की 96% बिजली पैदा करता है, और आने वाले 2 साल में हम सरप्लस बिजली पैदा करने की स्थिति में आ जाएंगे। उस राज्य की यह स्थिति है, हरियाणा में 6 रुपया 29 पैसा, दिल्ली में 6 रुपया 32 पैसा, गुजरात में 6 रुपया 82 पैसा, मध्य प्रदेश में 7 रुपया 5 पैसा, पंजाब में 7 रुपया 72 पैसा, और राजस्थान में ये जो मैंने छोटा कैलकुलेशन जो छोटे कंज्यूमर का निकला उसका आता है 13 रुपया 31 पैसा। उस कंज्यूमर का जिसकी कैपेसिटी 150 यूनिट तक जलाने की, उसको ये लग रहा हमारा फिक्स चार्ज सब जोड़ करके। तो मैं सोचता हूँ इससे तो वास्तव में, और इसके बारे में सोचना चाहिए कि आखिर हमने ये जो इतनी कंपनियां जो बनाई है, जुलाई शायद 2000 में बनाई, ये सोच के बनाई, ये तर्क से बनाई थी कि हम ये कंपनियां इसलिए बना रहे हैं ताकि इन सब कमियों को निकालते हुए राजस्थान का बिजली का तंत्र अच्छा बनेगा।
लेकिन ये तो डुबाने वाली संस्थाएं बन गई। अब आप हमसे कहेंगे कि आपने कर दिया, हमने जब आपको 2008 में जब हमारी सरकार गई थी और आपको दिया था, उस समय बिजली बोर्ड 15,000 के कर्जे में था। आपने जब वापस हमको सुपुर्द किया तब आपने 80,000 करोड़ कर दिया। हालत ये हो गई कि रोजाना कर्जे का पैसा चुकाने के लिए, ब्याज चुकाने के लिए फिर कर्जा लेना पड़ करके इन संस्थाओं को जिंदा रखा। और इसके कारण से केंद्र सरकार से आग्रह करके वसुंधरा जी ने उदय योजना का लाभ लेते हुए केंद्र सरकार से मदद ली और 60,000 करोड़ रुपया हमने उसके खाते में जमा कराया। उस समय 20,000 रह गए। आज मेरा आप जवाब दो तब देना, आज ये फिर से आपकी कंपनियां 80,000 करोड़ रुपए के घाटे में चली गई है, 80,000 करोड़ रुपए के घाटे में चली गई है। अब इसके बारे में किसी न किसी को, मैं सोचता हूँ कि और ये शायद ये घाटा 1,00,000 भी पहुँच जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। 1,00,000 करोड़ रुपए का घाटा इस बिजली कंपनियों का फिर से पहुंच जाएगा। थोड़ा सा इनको संभालना पड़े, ये बड़े बड़े हाथी और नीचे के लोगों को नौकरियों से बाहर निकालते चले जा रहे, पोस्टें खाली पड़ी है, कोई संभालने वाला नहीं है और आप सिस्टम को ही कोलैप्स कर रहे हो। इसके बारे में ज़रूर आप विचार करना। मैं अभी आप नाराज़ होंगे, नाराज़ नहीं, मैं आप सब विनम्र प्रार्थना करता हूँ, पक्ष और विपक्ष सब साथियों से, मैं सोचता हूँ इस देश के महापुरुष केवल यही एक परिवार तो नहीं हुआ है, और भी तो लोगों ने है जिन्होंने कुछ किया है इस देश के लिए। अगर उनके नाम से भी किसी संस्था का नाम हो जाए तो क्या बुरा लगता है। लेकिन मैंने जो सारा चार्ट देखा ना, तो मुझे दिमाग चकरा गया कि मैं सोचता हूँ हम केवल व्यक्ति पूजा में लग गए, हमने उनके आदर्शों की पूजा नहीं की, उनके मान सम्मान की पूजा नहीं की, उनके त्याग की पूजा नहीं की, उनके देश के प्रति समर्पण की पूजा नहीं की, हमने तो केवल और केवल व्यक्ति पूजा में लग, नाम 7 इंदिरा गांधी के नाम, 4 जवाहरलाल जी के नाम, फिर हवाई अड्डे बने हुए 5, उसमें 2 राजीव गांधी जी के नाम, 2 इंदिरा जी के नाम, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय जो बने हुए हैं 102, उस 102 में से 55 राजीव गांधी के नाम से, 23 इंदिरा जी से और 24 नेहरू जी के। राजीव गांधी बहुत बड़े आदमी थे, देश के संघर्ष में उनका बड़ा योगदान रहा, नाना जी का रहा, उसको मानने में कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ ये व्यक्ति पूजा की ओर इंगित कर रहा है देश को, इसके बारे में समझने की जरूरत पड़ेगी। व्यक्ति पूजा मत करो, उसके काम की और उसके समर्पण की पूजा करो तो आने वाली पीढ़ी तैयार होगी, बाकी केवल और केवल इन नेताओं के पीछे भागने वाली फौज बन जाएगी जो देश का ध्यान नहीं रखेगी, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करेगी, इसको समझने का प्रयास करो। है ना, जितने पुरस्कार आपने 50 पुरस्कार घोषित कर रखे हैं उसमें 17 राजीव जी के नाम से, 22 इंदिरा जी के नाम से और 11 जवाहरलाल जी के, 50 छात्र और स्कॉलरशिप जो आपने निकाल रखी है 16, उसमें से 10 राजीव जी के नाम से, 1 इंदिरा जी के नाम से और जवाहरलाल जी के नाम से। राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण और संग्रहालय 15, उसमें 4 राजीव जी के नाम से, 7 इंदिरा जी के नाम से और 4 जवाहरलाल जी के। अस्पताल और चिकित्सालय संस्थान ये 40 का है अस्पताल, इसमें 15 राजीव जी के नाम से, 15 इंदिरा जी के नाम से और 10 जवाहरलाल जी के। संस्थान अध्यक्ष और त्यौहार ये भी 37 है, इसमें से 17 10 10। सड़कों भवनों का नाम 77 का मेरे पास रिकॉर्ड है, उसमें से 22 राजीव जी के नाम से, 23 इंदिरा जी के नाम से और 32 जवाहरलाल जी के नाम से। और हमने जवाहरलाल जी को पूरा सम्मान दिया कि जितने भी नवोदय विद्यालय बने उनको हमने प्रारंभ से ही जवाहरलाल नवोदय विद्यालय के रूप में कहा से समझे। लेकिन मैं सोचता हूँ इस परिपाटी से बाहर अरे शास्त्री ने भी कुछ किया होगा यार। मैं सोचता हूँ अगर 1965 का वो छोटा सा तगड़ा आदमी नहीं होता ना तो छोटे छोटे बच्चों को भी एक दिन का उपवास नहीं करा सकता दोस्त। मैं एक प्राइमरी स्कूल में मास्टर था, मुझे देख करके दंग रह गया जब मेरा वो 3री में पढ़ने वाला बच्चा भी उस दिन टिफिन नहीं लेके आया, तो मैंने कहा क्या हुआ, उसने कहा नहीं ये सोमवार का व्रत है। जो देश को जगा सकता है, देश की आत्मा को जिसने हिला के रखा, उस आदमी के नाम पर कोई संस्था बन नहीं सकती, क्योंकि हम सब लोग किसी न किसी व्यक्ति के पुजारी बनते चले जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा ये जनजीवन मिशन, अब आप मंत्री महोदय नाराज मत होना, ये एक ऐसी छूट मिली हमको, अगर हम इसका उपयोग करें तो हम राजस्थान के जो आपका सर्वे है वो 1,32,00,000 लोगों को टूटी से कनेक्शन होने का आपका प्रोजेक्ट है, 1,32,00,000 लक्ष्य रखा भारत सरकार ने आपको 19-20 में 1,051 करोड़ रुपया दिया इस काम के लिए, और आपको ये निशान करके दिया कि इतने आप करोगे,
लेकिन आपने उसमें से 1051 करोड़ में से 605 करोड़ रुपया आप उपयोग ही नहीं कर पाए, उपयोग ही नहीं कराए। 19-20 का समय निकल गया, उसके बाद भी उन्होंने आपका पैसा काटा नहीं और पैसा बढ़ाया। उसके बाद आपने देखा होगा, आपने जो है ना उस समय कुल ही राजस्थान में 19-20 में 1,04,000 घरों को ही कनेक्शन दिया, जबकि आप ज़्यादा देने के लिए आपके पास पैसा पड़ा था। मैं सोचता हूँ उसके बाद आपने देखा होगा कि 2021 के बजट में केंद्र सरकार ने आपको 2,522 करोड़ रुपया दिया है ना, उस आपकी उपलब्धि न होने के बाद भी आपको पैसा दिया। लेकिन उसके बाद भी हुआ क्या, आप उसमें से केवल अभी 21 तक मेरे पास आंकड़े हैं, 513 करोड़ रुपया केवल 2500 में से उपयोग कर पाए। इसका मतलब पैसा आपके पास है, आप उपयोग कर सकते हो। आप ये बार बार जी रहे हमको 60-40 नहीं चाहिए, हमको तो 10-90 चाहिए। अरे वो जब मिलेगा, जब मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो जो है उसमें से अपन ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के उसका लाभ उठाए। हो सकता है आपको लंबा एरिया फैलाना हो, ज़्यादा खर्चा होता है, उसको छोड़ो, पर जो कॉम्पैक्ट बस्ती है, अब मान लो शहर का ही कोई वार्ड है और उसमें से 200 घर ऐसे हैं जिनके भाग्य में अभी तक टैप नहीं लिखा, तो कम से कम उसके घर तक तो टैप जा सकती है ना, उसको तो पूर्ति कर सकते हो। मैं सोचता हूँ कि आपको 21 तक 17,62,129 घरों तक ही नल पहुँचा पाए, और 2024 तक आपको पहुँचाना है 83,40,105 घरों पर। मैं सोचता हूँ इसके बारे में आपको देखना चाहिए कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। अब आप सब लोगों को प्रधानमंत्री खराब लगता, कोई बात नहीं, जैसा आपको लगे वैसा देखो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं ये कह सकता हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री ने उस गांव गरीब और छोटे व्यक्ति को संवारने का प्रयास किया। और मैं सोचता हूँ, मुझे भी राजनीति में इतने साल हो गए, आप भी 54 साल तक दिल्ली में रहे, और इस हिंदुस्तान की जनता का खजाना है, गुलाब चंद जी का नहीं है, गहलोत साहब का नहीं है, ये खजाना किसका है, ये हिंदुस्तान की जनता का है जो टैक्स से भरती है, वो दिल्ली का हो चाहे यहाँ का हो। हम जो खर्चा करते हैं किसी पर मेहरबानी नहीं करते, हमारी ड्यूटी है, पर दुर्भाग्य है कि हमने इस लोकतंत्र का मजाक बना करके रख दिया है। मैं सोचता हूँ वही पैसा दिल्ली में जाता, वही पैसा राजस्थान में आता है, हम विकास के इतने काम कर सकते हैं और आप विकास के काम नहीं कर सकते, इसका दर्द आपको होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, ये जो पीएम किसान सम्मान निधि, क्या आप 54 साल में इस प्रकार की मदद कोई परमानेंट नहीं निकाल सकते थे किसान की? ये क्या 74-70 साल के बाद नरेंद्र मोदी की इंतज़ार कर रहा था कि ये आएगा तभी हमारा किसान सम्मान निधि? ये किसान सम्मान निधि क्या है? मैं सोचता हूँ कि मैं उस गांव में रहता हूँ जिसमें किसान जब बुआई होती है ना, बारिश होती है, तो मक्की भी सेठ जी से जा कर के मांग के लाता है बीज के लिए, और ये वादा करके आता है कि दूनी वापस दूंगा जब पैदा होगी तब। उस देश में अगर किसान को 6,000 रुपया बिना किसी कटिंग के, जो आपकी अधिकृत लिस्ट है, जो वेरीफाइड लिस्ट है, उसको बिना पूछे और बिना चाचे हर 4 महीने में 2,000 रुपया उसके पास जा रहा है। संपूर्ण देश में 9 करोड़ लोगों को 1,14,000 करोड़ रुपया अब तक जा चुका है, अब इसकी भी आलोचना करोगे? मैं सोचता हूँ अकेले राजस्थान में 64,40,000 किसानों को 687 किसानों को लाभ किया और 5,965 करोड़ रुपया राजस्थान के किसानों को दिया है। 5,965 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि के तहत। माननीय एक सदस्य जी ने कहा अकेली जो इस दूसरी तीसरी में इतनी बाकी है, भैया अगर आप तुम रिकॉर्ड ही नहीं पेश करोगे तो तुम्हारी चौथी किस्त की पहली किस्त हो जाएगी, जिसकी पहली है उसकी पहली रहेगी। अगर आप अपना रिकॉर्ड ही सबमिट नहीं करते हो, ऑनलाइन पेमेंट है, तो इसमें तो हमारी गलती है। अगर हम ऑनलाइन पेमेंट लेना चाहते हैं तो कम से कम रिकॉर्ड तो सही बनाए। जिस नरेगा के आप पीठ थपथपा रहे, नरेगा नरेगा आपका क्या लेना देना उससे? रामधरन से बोल देना, जवाब दे देना कि नरेगा में आपका पैसा कितना है, जिस पैसे के आधार पर आप बार बार अपनी तारीफ के पुल बांधते जा रहे हो। ये नरेगा केंद्र सरकार की मनमोहन जी समय, उस समय जो योजना प्रारंभ हुई थी, उस योजना के तहत गरीब आदमी को रोजगार मिले इसके लिए योजना बनाई, और इस योजना में इस मद में आपको 5,354 करोड़ रुपया मिला कि नहीं मिला? मिला। और इस नरेगा की मजदूरी पहले 182 रुपया थी, 202 किया कि नहीं किया, 20 रुपया प्रति दिन के हिसाब से, किसके लिए बढ़ाई? उस गरीब आदमी को मदद करने के लिए पहुँचाई, लेकिन आप उसकी तारीफ नहीं कर सकते। आप तो कमियां निकालने की कोशिश करो,
ताकि आपका डिबेट अच्छा बन जाए। हाँ, भाषण में तो आपको नंबर मिल जाएंगे पर सच्चाई से बहुत दूर हट जाओगे। मैं सोचता हूँ उज्ज्वला योजना क्या इतने सालों तक 54 साल तक आपको ध्यान में नहीं आएगा, गरीब का बहन और बेटी किस प्रकार से खाना बनाती है। मैंने भी अपने जीवन में बचपन में ये सब चीज़ें देखी थी। आज कम से कम देश का प्रधानमंत्री किसी योजना के तहत 8 करोड़ माँ बहनों को मुफ्त गैस का कनेक्शन देता है। गुलाबचंद कटारिया को पहला गैस का कनेक्शन चित्योतर में MLA कोटे में गुलाबचंद कटारिया को बना, बाकी नूतन गैस से रोटी बनाता था। मैं आपको कही रहा हूँ भैया, बढ़ गया कोई बात नहीं, आपका मौका मिले तो कम कर देना। इतने सालों तक आपको तो कम से कम दिमाग में ही नहीं गया, उसने तो महंगा दिया सस्ता दिया, दिया तो है। और ये तो उसे पूछो जिसे मिला वो बताएगा। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, अब आपने देखा कि राजस्थान में 2 कॉलेज को आपने अभी अगस्त के महीने में केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ आपने विजिट करके 2 कॉलेजों का उद्घाटन किया कि नहीं किया, तो किया था ना। और 3 सुपर स्पेशलिटी जिसमें मेरा उदयपुर का भी है, इसके तहत आपको 828 करोड़ रुपया केंद्र से मिला कि नहीं मिला, राम धर्म से बता देना। प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं सोचता हूँ पहले भी ये कल्पना तो थी कि आवास बनना चाहिए गरीब का, उसका नाम था इंदिरा आवास योजना। इतने माननीय सदस्य आवास बने हैं उनको आज जाकर के पेंसिल से रगड़ के आ जाना, वो इंदिरा आवास नहीं है, खंडर आवास है आज की तारीख में। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने दिमाग लगाया कि गरीब का आदमी चाहे उसके खेत में बनाना चाहे, पुराना घर तोड़ के बनाना चाहे, चाहे कैसे भी बनाए, मैं तो उसको 1,48,000 रुपया उसके खाते में डाल दूंगा उससे वो बनाए। क्या ये अच्छा नहीं था? लेकिन उसके बारे में भी आप में से किसी बंदे का नहीं निकला। मैं उस आदिवासी एरिया में घूमता हूँ जहाँ 250-300 जिसके बच्चे ने कभी सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में कि मैं भी इस पक्के मकान के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा, उसे मकान बने हैं लेकिन उसके बारे में नहीं। और लक्ष्य कितना दिया राजस्थान को, 15,71,213 मकान बनाने का लक्ष्य दिया। उसके अगेंस्ट में जो स्वीकृति मिली वो 13,09,128 मकान को मिला, और 9,24,228 मकान राजस्थान में पूरे हो चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और उसमें आपको 19,184 करोड़ रुपया, इसमें आपका कुछ पैसा हो तो बोल देना कि आपका कितना पैसा इसमें लगा हुआ है, वो भी बोलना तो कम से कम हिसाब सही बन जाएगा। प्रधान एक से मैं सोचता हूँ इसी तरह से प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये इस दीनदयाल ज्योति के कारण से। मैं उस ट्राइबल एरिया में घूमता हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि उस पहाड़ के टापरे पर भी 8 खंभे खींच करके वहाँ तक लाइट पहुँची है। ये शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे घर में लाइट जलेगी। और इसको पूरा करने के लिए उन्होंने 43,264 गांव में अपने राजस्थान में विद्युतीकरण हुआ है स्वच्छ भारत के तहत। जो शौचालय की कल्पना ही नहीं कर सकते कि हमको भी बन सकती है, वो 72,17,288 शौचालय राजस्थान में बने हैं। अब ये जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन फंड है, मैं सोचता हूँ इसमें से आपको जो पैसा मिला है वो या तो आप कोविड में इसका उपयोग करो, और जो आपकी जिला लेवल पर कमेटी बनी हुई है, पहले वो मतलब वहाँ का जो जिला प्रमुख होता था वो चेयरमैन होता था, बाद में कभी MP हुआ, फिर अभी कोई कलेक्टर हुआ, अब और कोई जो आपका अधिकृत मिनिस्टर है प्रभारी वो है, कोई भी हो, एक कम से कम इसकी मीटिंग करके जो उस जिले की आमदनी है वो जिले के आवश्यक कामों के लिए खर्च करो तो ठीक। और ये फसल बीमा योजना, आप लोगों ने 54 साल तक राज किया लेकिन आपने कभी इस बारे में दिमाग नहीं लगाया कि ये किसान बर्बाद हो रहा है इस कारण से कि इसकी आए दिन फसल कभी नष्ट होती कभी कुछ होती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको शुरू किया, प्रधानमंत्री जी ने इसमें चेंजेज किए, और केवल 1.5 पैसा और 2 पैसा है ना रबी और खबी में डाल करके आपको कवर करने का, 4% राज्य सरकार मिलाती है, 4% केंद्र सरकार मिलाती है, वो किसान सुरक्षित हुआ। और उसमें भी लोगों की थी कि नहीं इसको अनिवार्य नहीं करो, तो आपको ये भी कर दिया कि इसकी अनिवार्यता नहीं है, जो इसमें कराना चाहे तो वो इसमें से कराए। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, रबी फसल के अंदर राजस्थान के 41.78 लाख हेक्टर क्षेत्र में और 40 लाख किसानों को 18,596 करोड़ रुपया है ना रबी की फसल में मिला है।
और गरीब इस खरीफ की फसल में राजस्थान के 26 लाख किसानों को 46,431 करोड़ रुपया इस फसल योजना के तहत मिला। मैं सोचता हूँ इसी तरह से कैंप आयुष्मान भारत के बारे में हम आपको बार बार आग्रह कर रहे थे, अब आपने 30 तारीख को महात्मा गांधी का दिन है, बहुत अच्छी बात है, हम भी उनका स्वागत है, लेकिन ये 2 साल इंतज़ार क्यों की? अगर आपने भामाशाह को बंद किया या स्लो डाउन किया या उस पर पैसा देना बंद किया तो कम से कम ये केंद्र की आयुष्मान योजना थी, इसका लाभ लेकर के तो अपने यहाँ के गरीब आदमी को जो उनकी सीमा में आता है, आपने कुछ सीमा बढ़ाई होगी, कुछ और लोगों को उस योजना के तहत जोड़ करके 1,10,00,000 किया होगा, पहले शायद 59 लाख लोग ही हमारी सूची में कवर हो रहे थे, कोई बात नहीं, आपने अच्छा काम किया, उसकी हम भी तारीफ करेंगे, लेकिन उसके कारण से आपने राष्ट्रीय राजमार्ग की दृष्टि से अभी मैं जो अध्यक्ष महोदय में बहुत मन से देश के प्रधानमंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, 40 साल में राजनीति में हूँ, लेकिन इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का राजीव गांधी ने उदयपुर की गांधी ग्राउंड में भाषण दिया था, उसमें मैं उपस्थित था कि हम केंद्र से 100 रुपया भेजते हैं, उस गरीब तक जाते जाते 15 रुपये रह जाते हैं, 85 रुपया बीच में लोग कटिंग कर जाते हैं, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने जब लाल किले से घोषणा की खाते खोलो तब हमारे समझ में नहीं आया क्यों करता आग्रह, लेकिन इसने ये 38 करोड़ खाते खुलाने के बाद अब उस गरीब का हर पैसा सीधा उसके खाते में जाता है, कोई कटिंग नहीं मार सकता है। इस भ्रष्टाचारी राक्षस को समाप्त करने का अगर सबसे मजबूत पायदान कोई है तो ये जनधन खाते हैं, जिसके कारण से आप और मैं आपदा राहत मंत्री रहा हूँ, मंत्री जी मैंने स्वयं ने आपदा राहत का इतना पैसा बांटा, लेकिन मैं जब जैसलमेर और बाड़मेर में किसानों को पैसा दिया तो पैसा लेने वाला ही नहीं था आपका, पैसा लेने क्योंकि वो फर्जी खाते तैयार कर रखे थे, अब आपने ऑनलाइन किया तो फर्जी खाते सब निकल गए, तो उसके कारण से एक ऐसा जरूर परिदृश्य इसी तरह से रेल प्रोजेक्ट में मिला है। मैं आज उस बात पर आना चाहता हूँ जिस किसान कानून के बारे में आपका इतना ज़बरदस्त विरोध है, मैं कृपा करके आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई इस किसान को मदद करने के लिए हम लोगों ने भी तो कुछ किया होगा। मैं सोचता हूँ भैरव सिंह जी पहले जिसने लगान माफ़ किया था 77 में जो MLA बन गया, पहला व्यक्ति था जिसने एक तरह से हमारे पर जो 14 कलम का टैक्स लगता था, धनिया मिर्ची पर सरचार्ज लगता था, उसको उस आदमी ने ख़त्म किया, लेवियाँ तुलती थी हम तो जेल में थे पर किसान की लेवियाँ तुलती उसको उसने आके ख़त्म किया। मैं सोचता हूँ मिनिमम चार्ज उस व्यक्ति ने ख़त्म किया, हम लोगों ने काम किया, ऐसा नहीं कि हमने मैं सोचता हूँ हम लोगों ने काम नहीं किया। अब ये जो है आप कह रहे हो देश के प्रधानमंत्री ने ये जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसको बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, राम धर्म से बताओ, आपने 54 साल तक किया ना, 54 साल में आपका जो लास्ट छूटा हुआ था धान का समर्थन मूल्य 1440 रुपया 1410 सॉरी, और अभी उस धान का सपोर्ट प्राइस जो मिलती है वो 1868 रुपया मिलती है 1868। गेहूँ का 1525 पे आपने छोड़ा था, आज वो 1925 और अभी रबी की अब और आएगी वो और उससे बढ़ेगी। मूँगफली जो है ना आप 4030 में खरीदते थे, आज की तारीख में 5225 रुपया समर्थन मूल्य पर खरीद हो रही है। सोयाबीन 2600 रुपये में मिलती थी, आज 3880 रुपये मिलती है। चना जो आपका 3500 रुपया था, आज 4875 रुपया मिलता है। इसका मतलब देश के प्रधानमंत्री ने इस किसान को बढ़ाने का काम किया। अब आपकी जो स्थिति है वो थोड़ी सी बताता हूँ, कर्जे में बहुत तेज़ी से आगे जा रहे हैं, इस कर्जे की स्थिति को संभालने के लिए विशेष प्रयत्न होना, पहली तिमाही में आपका 18,000 का एक तरह से घाटा था, फिर छः महीने के अंदर आपका 33,000 हो गया। आप को अलाउ नहीं करूंगा, गलत है, आप क्यों खड़े हो, आप कौन होते हो, आप कौन होते हो, मेरा काम भी आप करोगे, आप बोला उनको बोला आप रोको इनको तो आप रोको आप सजेस्ट होके आपका अपना हाथ में लेते गोविंद प्लीज मैं कह रहा प्लीज मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आप सीनियर है, सभी सीनियर है, और मदन जी और राठौड़ साहब आपको जरूरत नहीं मेरे सपोर्ट करने की, मैं सक्षम हूँ। आप अपनी भावना को नेतृत्व की क्षमता को रोको, इसे नेतृत्व की क्षमता प्रदर्शित नहीं होती है, जब आपका लीडर खुद कॉम्पिटेंट है तो आप जरूरत कम पड़ रही है, आप आवश्यकता नहीं मदन जी। मानी कटा जी मैं ये आपको मानी कटा जी मैं समय मैं मुझे कहना नहीं चाहिए पर समय के हिसाब से
चलो मैं बाकी चीज़ें जिस किसान के इसको लेकर के जो आंदोलन आप लोग सब कर रहे हैं, मैं सोचता हूं मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये कानून एक दिन में नहीं बना। इस सच्चाई को आप भी जानते हो पर बोल नहीं पा रहे हो। मैं सोचता हूं कि 2004 में मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, ये जो आयोग बना था उस समय स्वामीनाथन आयोग वो आपके सरकार में बना। 2006 में उसने रिपोर्ट दे दी थी, उस रिपोर्ट में उनमें कई रिकमेंडेशन में तीन विशेष करता हूँ जो इससे कानून से संबंधित है। अनिवार्य मंडी टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए, ये उसके रिकमेंडेशन है, बल्कि मंडियों के उपलब्ध अधोसंरचना के इस्तेमाल पर सर्विस चार्ज लिया जाना चाहिए, ये उसकी रिकमेंडेशन थी। फिर इसमें दूसरी रिकमेंडेशन एक राष्ट्रीय बाजार होना चाहिए जो अभी इस कानून में है। फिर उन्होंने तीसरा था संविदा खेती के माध्यम से, स्वामीनाथन आयोग आपने और मैंने भाषण दिए इस रिकॉर्ड पर वर्षों से इस बुक में लिखा होगा, चाहे आप खड़े हो चाहे मैं खड़े हुआ, स्वामीनाथन आयोग लागू करो ये करो, उसके बारे में कहा संविद खेती के माध्यम से मार्केट लिंकेज स्थापित किए जाने चाहिए। उसके बाद आपने देखा होगा कि उस समय का जो सबसे बड़ा शरद जोशी उस समय किसानों के श्वेतकारी संगठन का अध्यक्ष रहा, वेल नोन हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर के किसानों के हितेश की लड़ता रहा, उस आदमी ने भी शरद जोशी साहब ने ये जो ईसी एक्ट और एपीएमसी एक्ट खत्म कर देना चाहिए, ये उसकी रिकमेंडेशन एक। उसके बाद आपने प्रधानमंत्री जी ने 9 अप्रैल 2005 दिल्ली में जो कृषि मीट हुई थी उस कृषि मीट में उनका भाषण है, कृषि उत्पादों को के लिए हम पूरे देश को एक कॉमन तथा सिंगल मार्केट बनाना, एक राष्ट्र एक मार्केट की बात जो इस बिल में है उसे मनमोहन सिंह जी ने अपने भाषण में उद्धृत किया था, उसी को इसमें समाहित किया है, पर आप उनकी बातें को माने चलो। 2007 में जो यूपीए बनी थी उस समय में भी आपने संविदा खेती के पक्षपाती रहे, कई राज्यों को आपने पत्र लिख करके, शरद पवार जी ने पत्र लिख करके संविदा खेती के लिए कई राज्यों को इंसिडेंट किया। ये जो महाराष्ट्र में 2006 में कानून उसी बना, हरियाणा में बना 2004 में, और इसी तरह से 19 राज्यों में बना, और यह जो आपका पंजाब है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, ये संविदा के तहत आज भी खेती होती है कि नहीं होती है, मुझे जिस समय जवाब दो उस समय आप दे देना। पंजाब विधानसभा में 17 का घोषणा पत्र में आपने इसको माना, 19 में आपके कांग्रेस के घोषणा पत्र के पेज नंबर 17 पर क्रमांक 11 में और क्रमांक 21 में यही रिकमेंडेशन है या नहीं है? है, मैं आपके घोषणा पत्र से लाया, मेरे घर से नहीं बनाया, अगर आप चाहो तो मैं पढ़ सकता हूँ मेरे समय की पूर्ति के लिए। और फिर इसके बाद आपने देखा कि 2015 जून 2019 में ये पांचवी गवर्नर काउंसिल जो हुई थी नीति आयोग की, उस नीति आयोग में इन लोगों की कमेटी बनाई थी जिससे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, ये कुमार स्वामी कर्नाटक, मुख्यमंत्री हरियाणा, मुख्यमंत्री अरुणाचल, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कल्पना रात, कृषि मंत्री और सदस्य नीति आयोग, बाद में इसमें संशोधन कर कर्नाटक के मुख्यमंत्री के स्थान पर कैप्टन अमृत सिंह जी, पंजाब और मुख्यमंत्री उड़ीसा को भी शामिल किया गया है, उन सब के दस्तखत इस रिपोर्ट के ऊपर अंकित है, अगर कोई चाहे तो उस रिकॉर्ड को देख सकता है वास्तव में अंकित है कि नहीं है। मैं सोचता हूँ कि और भी, पर एक विषय जो मैं विशेष रूप से विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ, पता नहीं अगली बार हम आएंगे कि नहीं आएंगे कह नहीं सकते, लेकिन मेरे बहुत दुखी मन से इस सदन को जिस ढंग से गिरावट आ रही है उसके बारे में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम सबको इस पर बहुत संतोष से विचार करना चाहिए। है ना जी, जनता हमको और आपको उसके हित की रक्षा के लिए भेजती है। अगर आप सरकार चलाते हो तो खजाने की चाबी मुनीम के रूप में आपको देते हैं, ठीक ढंग से हिसाब रखना। हम लोगों का काम है कि अगर उसमें कोई कमी खामी होती उसको निकालना, लेकिन उस व्यक्ति ने जिसने आपको और मुझे भेजा, क्या ईमानदारी से हम इस पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ, कोई आता है कोई नहीं आता है, कोई 2 घंटे आता है, साल में 30 दिन तो कुल ही चलता है, और उस 30 दिन में से भी हमारी उपस्थिति अगर कोई अंकित करे तो आपको और मेरे को दुख नहीं होगा यार? जिस जनता ने आपको इसी काम के लिए भेजा है उस जनता के प्रति आप न्याय करो। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे क्षमा चाहते हुए आपका भी इस सदन में बैठने का जो क्रम है ना और क्रमांक है वो बढ़ाओ आप, क्योंकि आपके बैठे रहने से सदन की गरिमा भी बढ़ती है और डिबेट का भी कुछ मानस बनता है। मैं सोचता हूँ इससे ज़्यादा ज़रूरी काम एक लोकतंत्र के पहरी के लिए नहीं हो सकता है जिसको सदन के बारे में चिंता करनी चाहिए।
मैं सोचता हूँ आपकी उपस्थिति मात्र से हर विषय को ठीक प्रकार से और ठीक स्थान पर जाएगा। मुझे बहुत दुख है कि पिछले इतने समय से ये जो गैलरी में बैठे हैं ना, आज आप बोलोगे इसलिए सुनने आए हैं, हम बोलते हैं तो एक भी आदमी नहीं, इन दीवारों को सुनाते हैं या कुर्सी को सुनाते हैं, क्या दशा है। मैं सोचता हूँ अगर ये परिपाटी डाली तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। मैं सोचता हूँ कि हम कौन किस दल से आता है वो अपनी जगह रखने की है, लेकिन कम से कम जिस जनता ने आपको और मुझे उसकी हिफाजत के लिए भेजा है और जिसने अपने मन से आपको खजाने की चाबी दी है, उसकी देखभाल ठीक प्रकार से हो और आपके ये अधिकारी जितने भी, अभी तो समय नहीं है बाकी, तो मैं आप बताऊँ कुछ काम करना ही नहीं चाहते। क्या काम करें, आउटपुट क्या है, कौन देखता है इसको? साल में कोई इनका विश्लेषण करता है कि वहाँ सेक्रेटरी रहने के बाद इतने कागज और इतनी पेंडिंग फाइलें पड़ी हुई है, कौन देखता है? कोई नहीं देखने कुछ है। मैं सोचता हूँ इस बारे में सीरियसली विचार करना चाहिए और राजस्थान की 7 करोड़ जनता को विश्वास दिलाना चाहिए कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारी हिफाजत के लिए, हमारे बेबूदी के लिए, हमारे विकास के लिए है। इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद।